तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं एक बंगाली मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर के ऊपर, जिसका नाम है परिहा। तो बस आज के इस वीडियो में हम इसी ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। भाई, ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम इस ट्रेलर के ऊपर जाकर रिएक्शन करें, तो बस आज की वीडियो हम स्पेशली उनके लिए ही बना रहे हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना भाई, तो वहां पर आप ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, तो भाई ज्वाइन का बटन जरूर से दबाना और हमारे चैनल को जरूर से सपोर्ट करना। तो चलो, आप जल्दी से जाते हैं स्क्रीन पर और रिएक्ट करते हैं इस ट्रेलर पर, आखिर कैसा ट्रेलर है। तो चलो, 1 2 3 गो। বলুরে খুঁজা পাবো তো? সমাজ ধরে দেখছি, বুঝলে না, কারোর দিকে তাকা না, কারোর সাথে কথা বলে। কিরকম গুন্ডা গুন্ডা দেখতে মালটাকে দেখছিস? রাবণ, রাবণ পঞ্চাশ টাকা একটা কুকুরের জীবনে, তো আমার কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিন প্লিজ। এইভাবেই আমাদের সারোমেয়েদের প্রতি একটা প্রেম জাগিয়ে তুলতে হবে। চুপচাপ করতে পারতো নি কেড়ে পর। আমি বাইচা থাকতে এই জায়গা থেকে কেউ আমারে সরাইতে পারবো না। আমি থাকুম, আমার বাচ্চারা থাকবো। ওদের থাবায় ভোট দেওয়ার ক্ষমতা নেই, ভালোবাসার ক্ষমতা আছে। এই বাচ্চাটাকে খুঁজছি। এই দুনিয়াতে সব জন্তুই হয় বেঁচে থাকে, না হলে মাংস হয়ে যায়। বাচ্চা কুকুরটা কোথায়? তাহলে আপনার এই বাচ্চাটা যদি বেঁচে থাকে, এই এতগুলো কুকুরের মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব? সম্ভব। আসলে ম্যাডাম, যে কোনো প্রাণীর ভ্যালু যদি 50 টাকা বেশি না হয়, তাহলে কিন্তু আমরা কোনো লিগাল অ্যাকশন নিতে পারবো না। আমি 1000টা কুত্তা মারবো। আমি বাড়া 10000টা কুত্তা মারবো। আমি 1,00,000টা কুত্তা মারবো। আমি কুত্তা মারবো। আমি শুধু কুকুরদের জন্য কাজ করতে চেয়েছিলাম। হাসপাতালে কিসটা মনে আছে? একটা নার্স, 16টা বাচ্চা কুকুর মানলো। আমি ওই নার্সটা হতে চাই। মানুষের মাথায় तो भाई ये था ट्रेलर परिहा मूवी का। और भाई इस मूवी में मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। एक मतलब कि समझ सकते हो कि हाँ, लोग नहीं इस पर ध्यान देते, पर उस वाले कॉन्सेप्ट पर उस टॉपिक ही ऐसा था भाई। देखो, स्ट्रीट डॉग्स है, जिसको ना जो गुंडे वगैरह या लोकल मार्केट लोग हैं, वो ले रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, पर उनको काट रहे पीट रहे क्यों? मीट के लिए भाई। और स्ट्रीट डॉग्स है जो आसपास में, देखो दिखाया गया कि डॉग लवर्स जो है वो उसके लिए फाइट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ही देखो, जो बूढ़ी औरत है वो बालू बालू बोलती है कि वहां से वो एक कुत्ता है, स्ट्रीट डॉग है, वो वहां से गुम है। और वो ये उसको ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, पर फिर वो जो थे बोलते हैं इनको जस्टिस नहीं मिल रहा था किसी को भी, क्योंकि किसी के पास प्रूफ नहीं था। फिर एक बंदा आता है जो एक पप्पी को ढूंढ रहा होता है, जिसको उसने ढूंढना ही ढूंढना था। उस एक पप्पी के पीछे इतने सारे जो कुत्ते होते हैं उन सबकी वो बोलते हैं जान बचाते हैं वो, ये जो हीरो का नाम मुझे नहीं पता यार। और भाई स्ट्रीट डॉग्स के लिए खड़े होते हैं और स्टैंड लेते हैं
कि भाई नहीं इनकी लाइफ मैटर्स करती है। और एक डायलॉग था कि भाई जो स्ट्रीट डॉग्स की जो लाइफ है वो उसकी कीमत क्या है, सिर्फ 50 रुपए और कुछ इस तरीके की कॉन्सेप्ट है। और जो मूवी का कॉन्सेप्ट है ना वो काफी बढ़िया लगा यार। कॉन्सेप्ट दिया गया था मतलब कि एक फूड चेन को दिखा रहे थे कि जो डियर जो ये क्या बोलते हैं जो डियर है वो घास खाता है और शेर है वो डियर को खाता है। तो मतलब कि वो जो फूड चेन है उसको हम ही जैसे चलाना चाहेंगे वैसे ही चलेगी। और भाई देखो ये जो मूवी का था परिहा, और सही सही बताऊं तो इस मूवी का जो स्टोरी लाइन है मुझे अच्छा लगा, काफी बढ़िया लगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है भाई, हटकर सही में ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कहीं पर नहीं देखा होगा, ये कुछ अलग हटकर है। और सही में ये वाली मूवी जो है वो मैक्सिमम उन लोगों के लिए जो ना मतलब कि एनिमल लवर है, मैक्सिमम जो डॉग लवर है उनके लिए ये मूवी मतलब वो तो बिल्कुल वो कनेक्ट करेंगे उस चीज से दिल कनेक्ट होंगे उनके। और भाई अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा मैसेज भी है भाई कि नहीं हाँ एक जो बेजुबान जानवर है उनकी लाइफ मैटर करती है, मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ ही आपको मूवी। वो स्ट्रीट पर ही होंगे पर उनकी लाइफ ही फिर भी मैटर करती है, वो मतलब कि एक मॉरल दिया गया है इस मूवी में। मूवी अभी देखी नहीं है पर एक ट्रेलर में भी एक मॉरल दिया गया है कि हर एक वो जिसके पास जुबान हो ना हो वो इंसान हो या कोई एनिमल हो सबकी सब में ही जान होती है और उनकी जान कीमती होती है, वो दिखाया गया है। तो भाई ये ट्रेलर हमें एक वर्ड में बोले तो काफी बढ़िया लगा। बाकी आप सबको परिहा मूवी का ट्रेलर कैसा लगा, अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना। तो चलिए आज की गपशप यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आप ज्वाइन का बटन आ गया होगा, तो जल्दी से आप ज्वाइन भी जरूर से कर देना यार। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।